एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ओम काल रात्रि देव्यै नमो नमः। ओम काल रात्रि देव्यै नमो नमः। बोलिए काल रात्रि मैया की माँ दुर्गा के पावन नवरात्रों में सप्तम नवरात्र के पावन दिन माँ कालरात्रि की पूजा उपासना की जाती है भक्तों। जैसा कि नाम से ही विदित है माँ का यह स्वरूप शक्ति का रौद्र स्वरूप है। माँ ने अपना रूप घनघोर किया हुआ है भक्तों। माँ की पूजन विधि भी अत्यंत घनघोर है। माँ का पूजन तांत्रिक लोग विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु करते हैं। माँ को रात रानी का पुष्प भेंट किया जाता है। तांत्रिक काली अंधेरी रात में माँ काल रात्रि का तप पूजन करके विशेष सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। माँ काल रात्रि स्वरूप के पूजन से भक्तों में निडरता और निर्भयता आ जाती है। तो बोलिए काल रात्रि मैया की। काल रात्रि माने भक्तों, काल रात्रि माने भक्तों, रूप धरा विकराल है। काल रात्रि रूप सातवा भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि माने भक्तों, रूप धरा विकराल है। काल रात्रि रूप सातवा भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि माने भक्तों, केश खुले हुए, आंखों से अग्नि निकलती हुई, श्वासों से ज्वाला निकलती हुई, भ्रकुटी विकराल, हाथों में अस्त्र शस्त्र। भक्तों माँ काल रात्रि का स्वरूप दिखने में चाहे कितना ही भयंकर हो, परंतु माँ तो अत्यंत करुणामयी और करुणाशाली है। भक्तों का कल्याण करती रहती है। माँ के तीन नेत्र हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। माँ की श्वासों से अग्नि प्रकट होती रहती है। माँ गर्दभ की सवारी करती है। दो हाथों में अभय और वर मुद्रा है। तीजे हाथ में लोहे का कांटा और चौथे हाथ में खड़ग धारण किए हुए है। अपने गले में विद्युत के समान चमकने वाली माला पहनती है माता। तो माँ के इस विकराल स्वरूप के चरणों का ध्यान लगाते हुए एक बार फिर बोलिए, बोलिए काल रात्रि मैया की। केश खुले हैं मैया जी के, नैना तो विशाल है। मुख से अग्नि निकल रही है, त्रिकुटी भी विकराल है। गर्दभ की करती है सवारी, हाथों में तलवार है। असुरों का और पापियों का करती माँ संहार है। नैनों में अंगार है माँ के, नैनों में अंगार है माँ के, जिह्वा निकली लाल है। काल रात्रि मैया भक्तों, भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि माने भक्तों, रूप धरा विकराल है। काल रात्रि रूप सातवा भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि माने भक्तों, भक्तजनों जब चंड मुंड शुंब निशुंब और रक्त बीज जैसे दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिपत्य प्राप्त कर लिया,
देवी देवताओं को स्वर्ग से खदेड़कर भगा दिया, तब सभी त्रिदेवों की शरण में आए। त्रिदेवों सहित देवी देवताओं ने माँ पार्वती की आराधना की और प्रार्थना की कि उनके अंश से एक कुमारी कन्या जन्म ले, जिनके हाथों इन असुरों का अंत हो सकता है। माँ ने अपने अंश से देवी कौशिकी को प्रकट किया, जिसे महाकाली का रूप दे दिया। सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां दिव्य अस्त्र माँ को प्रदान किए। माँ ने चामुंडारण चंडीवन चंडमुंड का विनाश कर दिया। केश पकड़ मैया ने उसके शीश को काट दिया, मुंड के भी शरीर को काटा, कई टुकड़ों में बांट दिया। शुंभ आया माँ को पकड़ने, माँ के हाथों मारा गया, और निशुंभ भी माँ की खड़ग से भक्तों फिर संघारा गया। असुर से नका बन गई माँ, असुर से नका बन गई माँ। काल रात्रि काल है, काल रात्रि मैया भक्तों भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि माँ ने भक्तों रूप धरा विकराल है, काल रात्रि रूप सातवा भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि माँ ने भक्तों चंड मुंड शुंभ निशुंभ का माँ तो वध कर चुकी थी, परंतु यह क्या, असुर सेना तो अभी भी रण में डटी हुई थी। उनका नेतृत्व रक्त बीज कर रहा था। रक्त बीज वो दानव था भक्तों, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहां जहां गिरेगी, वहां वहां पर करोड़ों रक्त बीज पैदा होते चले जाएंगे। माँ जैसे ही रक्त बीज पर प्रहार करती, उसका रक्त भूमि पर गिरता और करोड़ों रक्त बीज फिर खड़े हो जाते। अब महाकाली ने रक्त बीज का अंत करने का उपाय सोचा। माँ ने काल रात्रि का भयंकर रूप धारण किया। माँ का सिंह असुर सेना से युद्ध कर रहा था, तो माँ ने एक गर्दभ की सवारी की और रक्त बीज के पीछे पीछे भागी। भागते हुए रक्त बीज की गर्दन में माँ ने अपने लोहे का कांटा फंसाया। जैसे ही रक्त बीज भूमि पर गिरा, माँ ने उसके केश पकड़े और अपनी खड़ग से उसका शीश धड़ से काट दिया। लेकिन उसके रक्त को भूमि पर नहीं गिरने दिया, एक खप्पर में उसके सारे रक्त को धारण किया और उसका पान कर गई। सभी देवी देवताओं ने मिलकर काल रात्रि मैया के इस भयंकर रूप की जय जयकार करी। गर्दब पर असवार हुई माँ असुर के पीछे भागी थी, मार खड़ग तलवार से उसके शीश को मैया काटी थी। रक्त बाहर आया जो ही खप्पर में था धार लिया, मुख खोली माँ काल रात्रि और रक्त का पान किया। असुरों की सेनाएं भक्तों, असुरों की सेना में भक्तों मच गई हाहाकार है। काल रात्रि मैया भक्तों जग की पालनहार है, जग की पालनहार है। काल रात्रि माँ ने भक्तों रूप धरा विकराल है, काल रात्रि रूप सातवा भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि माँ ने भक्तों चंड मुंड शुंभ निशुंभ का वध कर माँ का अत्यंत क्रोधित रूप हो गया था।
और उस पर रक्त बीज के रक्त का पान करने के बाद माँ का क्रोध सातवें आसमान पर था। भक्तों, अब तो देवी देवता भी घबरा गए थे कि माँ का क्रोध कैसे शांत होगा। ऐसे में भगवान भोले शंकर माँ के मार्ग में लेट गए। चलते चलते जब माँ का पांव शिव शंकर की छाती पर पड़ा तो माँ का क्रोध शांत हो गया। भक्तजनों, सबने मिलकर माँ कालरात्रि के भयंकर स्वरूप की जय जयकार बुलाई। माँ के इसी कालरात्रि स्वरूप का माँ के नव दुर्गा नव रूपों में सप्तम रोज पे पूजा अर्चन किया जाता है। माँ का पूजन विधि विधान से करने से भक्तों को निर्भयता प्राप्त होती है। भक्तों, माँ के पूजन में सुबह सुबह उठ जाइए, स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, माँ का आसन चौकी बिछाइए, माँ का बीज मंत्र आरती चालीसा गाइए और रात्रि में माँ का विशेष पूजन कीजिए। माँ को रात रानी का पुष्प भेंट कीजिए, क्योंकि माँ को रात्रि का पूजन अत्यंत सुहाता है। तो एक बार फिर दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, बोलिए काल रात्रि मैया की। लाल वस्त्र से चौकी सजाओ, मैया को बैठाओ जी, अक्षत चंदन रोली मोली मैया को चढ़ाओ जी, घी का दीप जलाओ भक्तों, माँ की ज्योत जगाओ जी, वंदन करके काल रात्रि चंदन तिलक लगाओ जी, माँ सच्ची सरकार है भक्तों, माँ सच्ची सरकार है भक्तों, जग के पालनहार है काल रात्रि मैया, भक्तों जग की प्रतिपाल है, भक्तन प्रतिपाल है। काल रात्रि माने भक्तों रूप धरा विकराल है, काल रात्रि रूप सातवा भक्तन की प्रतिपाल है, भक्तन की प्रतिपाल है। काल रात्रि माने भक्तों।